नमस्कार, मेरा नाम रीना गुप्ता है और मैं शास्त्री नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल से आई हूँ। आज का विषय दो कहानियों को लेकर है जिन पर चर्चा की जाएगी। परीक्षा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित ये कहानी है और दूसरी कविता रक्षाबंधन विशंबर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित है। सबसे पहले हम परीक्षा मुंशी प्रेमचंद की कहानी को लेंगे, जिसमें पाठ के सारांश से हम शुरुआत करेंगे। इसके अंतर्गत ही थोड़ी जो कहानी है वो आपको समझ में आएगी। प्रस्तुत कहानी देवगढ़ रियासत के दीवान पद के उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया से संबंधित है। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो जाते हैं तो वो राजा साहब से कहते हैं कि मैं अब ये काम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनकी ईमानदारी के कारण दीवान साहब को राजा साहब छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस कारण वो उन्हें बताते हैं कि आप ही हमारे दीवान रहेंगे, किंतु दीवान साहब बूढ़े हो जाने के कारण वो चाहते हैं कि हम ये काम ना करें। इसके लिए वो ये शर्त रखते हैं कि आप अपने जैसा नीति कुशल और ईमानदार व्यक्ति हमें दीवान के रूप में दें। दीवान सुजान सिंह इसके लिए तैयार हो जाते हैं और वे समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति निकलवाते हैं कि एक ईमानदार योग्य दीवान की आवश्यकता है। इस प्रकार जैसे ही अखबार में से यह खबर छपती है, रेल भर कर रेल से यात्री वहां उतरने लगते हैं और बहुत सारे लोग इस परीक्षा के लिए अपने को उम्मीदवार के रूप में रियासत देवगढ़ में आ जाते हैं। कई तरह के लोग आते हैं, सभी अपनी अपनी उम्मीदवारिता को बताने के लिए, अपनी पूरी ईमानदारी को बता देने के लिए वहां पर उपस्थित होते हैं। और देवगढ़ के जो दीवान हैं सरदार सुजान सिंह, वह बहुत अच्छी तरीके से प्रबंधन करते हैं लोगों को रुकवाने के लिए। और इस प्रकार से वहां पर बड़े आदर सत्कार के साथ उनको रखते हैं, किंतु जो दीवान चुनना है वो एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, साथ में उसके अंदर उदारता और कर्तव्य निष्ठा भी होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा तरीका निकाला। कई तरह के लोग वहां पर आए थे, कुछ फिल्मी स्टाइल में थे, कुछ पंडित और मौलवी भी वहां पर आए और सबने अपनी अपनी तरह से अपने आप को आजमाने का प्रयास किया। लोग वहां पहुंचने के बाद अपने आप को इतना ईमानदार सिद्ध करने में लगे हुए थे, उनकी धर्मनिष्ठा को देखकर लग रहा था कि इनसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। किंतु इस तरह से ईमानदारी का और अच्छे दीवान को सुनने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या सामने थी कि किस प्रकार से ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो हमें एक अच्छा दीवान मिल सके। इसके लिए दीवान सुजान सिंह ने एक कार्यक्रम बनाया। उन्होंने कहा कि भले ही व्यक्ति बीए पढ़ाना हो, किंतु वो अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। उन्होंने एक दिन खेल का आयोजन किया और हॉकी खेल का आयोजन कर उन्होंने वहां पर इसकी व्यवस्था कराई और स्वयं एक किसान का वेश लेकर बहुत सारे अनाज से बोरियां भरकर बैलगाड़ी में लादकर वहां से निकले। यहाँ पर खेल चरम स्थिति पर था और खेल खेलते खेलते संध्या हो गई। जब खेल बड़े उत्साह से जारी था और खेलते खेलते जब संध्या हो गई तो बड़ी धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंखों और चेहरे पर झलक रही थी, हाँफते हाँफते वेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय उस समय नहीं हो पाया था। अब फिर एक समस्या, जब हार जीत का फैसला नहीं हुआ तो किसको चुना जाए, अंधेरा हो गया। इसी मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था और उस पर कोई पुल वगैरह नहीं था। पथिकों ने नाले में से चलकर आना जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था, खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक स्थान जो कि दीवान सुजान सिंह थे, लेकिन किसान के वेश में वो आए थे और उन्होंने उस गाड़ी के ऊपर, ये परीक्षा का समय था,
उन्होंने गाड़ी में बहुत सारा अनाज भर रखा था और उन्होंने उस गाड़ी को उस नाले में से उतारा। नाले में कीचड़ होने के कारण नाली का पहिया उसमें फंस गया। अब इस तरह से दीवान साहब बड़ी वो किसान जो दीवान है वो किसान है इस समय, उन्होंने बड़ा प्रयास किया और बहुत प्रयासों के बाद भी गाड़ी ऊपर तक जाती लेकिन वापस नीचे खिसक आती। कुछ दूर चढ़ती, कुछ दूर चढ़कर फिर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता लेकिन वो गाड़ी अंत में वो झुंझला गए। वहां से कई लोग निकले, खिलाड़ी भी वहां से निकले, लेकिन उन्हीं खिलाड़ी जो प्रतियोगी थे वो सब खिलाड़ी कोई हाथ में लकड़ी कोई डंडा इस तरह से लिए हुए थे और वहां से निकलते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि किसान परेशान हो रहा है। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया और साहस था। उसने आज जब वह हॉकी खेल रहा था तो उसके पैर में चोट भी लग गई थी। वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात उसकी निगाह किसके ऊपर पड़ती है, उस किसान के ऊपर। वह ठिटक जाता है और उनकी सूरत देखते ही सब बातें उसे समझ में जाती है कि किसान बहुत परेशान है, उससे गाड़ी का बोझ उठाया नहीं जा रहा है और गाड़ी उसकी फंस गई है। किसान ने देखा एक गठे बदन का व्यक्ति, एक लंबा सा आदमी उसके सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। उसने कहा, तुम बेलों को साधो, गाड़ी को ऊपर बढ़ाओ और मैं पहियों को ढकेलता हूं। इस तरह से जो किसान था वो गाड़ी चलाने लगा और ये पहियों को ढकेलता हुआ ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहा था। किसान गाड़ी पर जा बैठ, युवक ने पहिए पर जोर लगाया। कीचड़ बहुत ज्यादा थी इसलिए घुटने जमीन में गड़ गए, परंतु उसमें हिम्मत भी नहीं हारी। मुख्य बात यहाँ हिम्मत की। उसने फिर जोर लगाया, उधर किसान ने बेलों को लड़कारा, फिर बेलों को सहारा दिया, फिर हिम्मत कुछ आई और कंधे झुकाकर जैसे ही उसने एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले को पार करके ऊपर निकल गई। किसान बड़ा प्रसन्न था और युवक को भी राहत हुई। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे इनाम नहीं देंगे? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो तुम्हें दीवानी मिल जाएगी। युवक ने किसान की ओर गौर से देखा और युवक को यहाँ पर संदेह होता है कि ये किसान कुछ दीवान सुजान सिंह से मिल रहा है, कहीं ये सुजान सिंह ही तो नहीं। आवाज मिलती है, चेहरा भी मिलता है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में संदेह को वह भाप गया। मुस्कुरा कर कहने लगा, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं। गहरे पानी में बैठने से मतलब, जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, दूर किनारे पर बैठकर अगर हम लहरों को गिनते रहेंगे तो कभी हमें मोती नहीं मिलते हैं। परिश्रम करने के बाद ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। निदान का पूरा एक महीना बीत जाता है। सभी लोग एक महीने तक वहां पर रहते हैं और अंत में वह दिन भी आ जाता है जबकि दीवान का फैसला होना रहता है। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। सबको पहाड़ जैसा लग रहा था कि अब क्या होने वाला है। कुछ निराश हो रहे थे, कुछ आशा के रंग में रंगे थे कि पता नहीं आज क्या होगा, किसके नसीब जागेंगे। इस तरह से दरबार राजा का संध्या काल के समय राज दरबार सजाया गया और शहर के रईस, धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी, दरबारी, दीवानी के उम्मीदवार का समूह जो सबके सब उम्मीदवार थे, सब रंग बिरंगी सज धज कर बढ़िया अच्छे से दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के तो कलेजे धड़क रहे थे। परीक्षा का समय ही ऐसा होता है कि दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे आप क्षमा करें। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ में आत्मबल। बच्चों ये बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि जिसके हृदय में आत्मबल होता है और आत्मबल के साथ साथ जिसमें दया होती है, वह विजय उसको उसके कदम विजय चूमती है, उसे विजय जरूर मिलती है। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल हो,
वह आपत्ति में वीरता के आपत्ति का भी वीरता के साथ सामना करता है। ऐसे व्यक्ति को ही इस प्रकार का पद मिलेगा और ऐसा पुरुष हमें मिल गया है। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ का दीवान पाने पर आप सभी को रियासत के कर्मचारियों और रईसों के ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी मगर उन आंखों में सत्कार था, ईर्ष्या नहीं थी। सरदार ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़, उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। इस प्रकार ये कहानी से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें साहस, अपने हृदय में दया और आत्मबल, ये तीन चीजों को लेकर चलना चाहिए। जिस व्यक्ति में साहस होता है, जिस व्यक्ति में आत्मबल है, वही विजयी भी होता है। क्योंकि हर हमें पहले से ये नहीं सोच लेना चाहिए कि जीत हमारी होगी, बल्कि और जीतने के लिए भी हमें अपने चरित्र को ये नहीं बताना है कि हम ऐसे हैं, बल्कि आपके अंदर उन गुणों का विकास होना चाहिए और इन गुणों के विकास के आधार पर ही आपकी जीत सुनिश्चित है। इस प्रकार ये कहानी पूरी होती है। इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मैंने इनको एक पेपर पर उतारा है और इसके साउंड छोटे हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं उनको लिखना चाहते हैं तो मैं उनको आपके लिए बोल देती हूँ, आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न पहला है, मुख्य रूप से हमने कोशिश की है कि जो ज्यादातर परीक्षा में आते हैं उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। गाड़ी में प्रश्न है, गाड़ी में किसान के वेश में था, गाड़ी में किसान के वेश में सुजान सिंह थे, पुराने दीवान सुजान सिंह थे। प्रश्न दूसरा है, बूढ़ा जोरी आड़ में बैठा क्या देख रहा था? बूढ़ा जोरी आड़ में बैठा बगलों में हंस छाट रहा था। एक प्रश्न जो ये प्रश्न छोटे हैं और दो नंबर के, अधिकांशतः ये प्रश्न दो नंबर के उसमें पूछे जाते हैं। और प्रश्न एक जो इस पाठ का मुख्य है वो दीवान इसमें सुजान सिंह जो है उनके चरित्र की विशेषताएं हैं। उनके चरित्र की दो मुख्य विशेषताएं जो कहानी को पढ़ने से उजागर हुई है, वो पहली है, सुजान सिंह ईमानदार थे, उन्हें प्रत्येक बात का अनुभव था। पहला है, सुजान सिंह ईमानदार थे, उन्हें प्रत्येक बात का अनुभव था। दूसरी विशेषता उनकी, वह जनता के साथ नीति का आचरण करता था। वह जनता के साथ नीति का आचरण करता था। इसी प्रकार एक प्रश्न और है कि परीक्षा कहानी का जो शीर्षक है उस शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करने के लिए आती है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि इस कहानी का शीर्षक परीक्षा इसलिए रखा गया है कि वह परीक्षा के इर्द गिर्द घूमता है। देवगढ़ रियासत के दीवान पद के लिए विज्ञापन उम्मीदवारों की विभिन्न चरणों में परीक्षा और अंत में परीक्षा में सफल होने पर दीवान पद हेतु पर चयन करना है। सबसे अंत में योग्य उम्मीदवारों की परीक्षा हेतु सुजान सिंह ने किसान का रूप धारण किया और उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। दयालु, साहसी, उदार, परोपकारी तथा आत्मबल वाला पुरुष ही परीक्षा में सफल रहा। अतः हम कह सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक परीक्षा सारगर्भित
सटीक तथा साफ रखे। दूसरी कहानी आपके सामने है, रक्षाबंधन। दूसरी कहानी रक्षाबंधन है और प्रस्तुत कहानी देवगढ़ रियासत में। दूसरी कहानी आपके सामने है, पाठ का शीर्षक है रक्षाबंधन। दिसंबर नाथ शर्मा कौशिक की एक कहानी है, कहानी रिश्तों के ऊपर है। दिसंबर नाथ शर्मा कौशिक ने रक्षाबंधन नामक इस कहानी में त्योहार के महत्व को बताते हुए युवक का अपनी माता एवं बहन से मिलन होता है, इसको बड़ी नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी बहुत ही रोचक है। माँ और बेटी का यहाँ पर चर्चा है। बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं भी राखी बांधूंगी। श्रावण की धूम है, नगर में बड़ी धूमधाम मची हुई है, सभी आनंद से और उत्साह के साथ श्रावण का आनंद ले रहे हैं। बहनें भाइयों को राखी बांध रही हैं, यजमान भी राखियां बांध रहे हैं। ऐसे में 10 वर्ष की सरस्वती, जिसका भाई नहीं है, वह अपनी माँ से जिद करती है कि मुझे राखी बांधनी है। तो माँ कहती है कि राखी तो भाई को बांधी जाएगी, किंतु उसके भाई नहीं है, किंतु वह जिद करती है। माता आगे कुछ कह नहीं पाती, उसका गला रुंध गया और नेत्र आंसुपूर्ण हो जाते हैं। अबोध बालिका ने इछला कर कहा कि तो क्या हुआ, भैया के राखी बांधी जाती है और किसी के नहीं, भैया नहीं है तो आपको भी बांध देंगे, अम्मा को भी बांध देंगे। इस दुख के समय में भी पुत्री की बात सुनकर माता मुस्कुराने लगी और बोलती है, अरे तू इतनी बड़ी हो गई, भला कहीं माँ की भी राखी बांधी जाती है। बालिका ने कहा, वाह जो पैसा दे उसी के राखी बांधी जाती है। बालिका फिर उदास हो जाती है। माता घर का काम करने में जुट जाती है और घर के काम करने के बाद वह अपनी पुत्री को आवाज लगाती है, आ तुझे नहला दूं। बालिका का मुख गंभीर रहता है, बोलती है मैं नहीं आऊंगी। क्यों नहीं नहावेगी क्या? मैं नहीं नहाऊंगी, वो अपनी माँ से कहती है। अरे राखी नहीं बांधनी है तो क्या नहावेगी भी नहीं? आज त्योहार का दिन है, चल उठ नहा। बालिका राखी नहीं बांधूंगी तो त्योहार काहे का? बालिका बोलती है, जब राखी नहीं बांधना तो त्योहार किस चीज का है? माता उसके ऊपर नाराज हो जाती है, क्या राखी राखी की रट लगा रखी है, बड़ी राखी बांधने वाली बनी है। ऐसी ही होती है तो आज का दिन देखना नहीं पड़ता। माँ अपना पूरा क्रोध उस बच्ची के ऊपर उतार देती है कि जब पैदा हुई ढाई तो अपने पिता को खा गई और ढाई बरस के होते होते अपने भाई को घर से जाना पड़ा। सारा दोष माँ क्रोध में अपनी बेटी के ऊपर मार देती। बालिका बड़ी हतप्रभ हो जाती है और आंखों में आंसू लिए वह चुपचाप रहती है। एक घंटे के बाद बालिका दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। इस समय सभी उसके सुंदर से मुख पर बड़ी उदासी है। उदासी इस बात की है कि भाई नहीं है, राखी किसको बांधेगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में पानी छलछला रहा है, परंतु बालिका उस समय द्वार पर क्यों क्या जान पड़ती है, वे किसी कार्यवश खड़ी है के लिए खड़ी है। मैं बहुत देर तक सभी आने जाने वाले राहगीरों को देखती रहती है, पर कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता। वह करुणापूर्ण नेत्रों से काफी समय तक दरवाजे पर खड़ी रहती है। अंत में जैसे ही वो अंदर जाने के लिए उद्यत होती है, तभी एक बालक, एक सुंदर से युवक के ऊपर
सुंदर से युवक की उस बालिका के ऊपर नजर पड़ती है और बालिका की आंखें उस युवक से टकरा जाती हैं। उदास और करुणापूर्ण नेत्रों में क्या जादू भरा था कि युवक ठिटक कर खड़ा हो गया और सिर से ध्यान से देखने पर युवक को ज्ञात हुआ कि बालिका की आंखों में आंसू हैं। तब वह अधीर हो उठा और निकट जाकर पूछा, बेटी क्यों रोती हो? बालिका उसका उत्तर ना दे सकी, परंतु उसने अपना हाथ युवक की ओर बढ़ा दिया। युवक ने देखा बालिका के हाथ में एक लाल डोरा है, वह राखी थी। युवक समझ गया, उसने मुस्कुराकर अपना दाहिना हाथ उस बालिका की तरफ बढ़ा दिया। राखी बनवाने के बाद युवक ने उसे 2 रुपए दिए तो उसने बालिका ने रुपए लेने से इनकार कर दिया और जिद पकड़ लेती है कि मुझे पैसे चाहिए। बहुत जिद करती है, मुझे पैसे चाहिए, रुपए नहीं चाहिए। पर वो जो युवक था वो कहता है कि इसके ही बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। इस तरह से वो बालिका अंदर चली जाती है। अंदर जाते हुए युवक उससे पूछता है कि अपना नाम तो बताओ, तो वो सुरस्वती यानी सरस्वती कहते हुए अंदर चली जाती है। इसके बाद कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। गोलगंज लखनऊ में बड़े से मकान में वो जो घनश्याम रहता है, एक सुसज्जित अट्टालिका रहती है, एक सुसज्जित कमरे में एक युवक बैठा चिंता में बैठा हुआ रहता है। कभी रुमाल से आंखें पूछता है, कभी अपने आप से कहता है हाँ सारा परिश्रम व्यर्थ गया, सारी चेष्टाएं निष्फल हुई, क्या करूं, कहाँ जाऊं, उन्हें कहाँ ढूंढूं, सारा उन्नाव छान डाला, परंतु फिर भी पता न लगा। युवक आगे कुछ और कहने को था कि कमरे का द्वार धीरे धीरे खुला और एक नौकर अंदर आया और उसने बताया कि अमरनाथ बाबू जो कि उस व्यक्ति के मित्र थे मिलने के लिए आए हैं। वो उनको अंदर बुलाता है और अमरनाथ घनश्याम से पूछते हैं कि तुम कब आए। तब वो बताता है कि मैं कल ही उन्नाव से आया हूँ। घनश्याम एक ठंडी सांस भरकर कहता है कि मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया, वहां उन्नाव में अब कुछ भी नहीं रखा है, परंतु करो तो क्या करो, हृदय नहीं मानता, अमरनाथ ने कहा। और सच पूछो तो यदि तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। यहाँ पर घनश्याम जो है वो अपनी माता और बहन को ढूंढ रहा है। घनश्याम कहता है कि मैं हार गया, तुम तो जानते हो कि लखनऊ आकर 1 वर्ष हो गया, किंतु ढूंढते मैंने अपने परिवार को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, किंतु अभी तक मेरे परिवार के सदस्य नहीं मिले हैं। इस तरह से अमरनाथ और घनश्याम आपस में बातें करते हैं और उनकी बातें बहुत देर तक चलती रहती हैं। अमरनाथ से घनश्याम कहता है कि मेरा दक्षिण जाना व्यर्थ रहा, अगर मैं दक्षिण नहीं जाता तो आज मेरी बहन और मेरी माता मेरे साथ होती। लेकिन अमरनाथ उनको समझाता है कि तुम्हारा दक्षिण जाना व्यर्थ नहीं हुआ, यदि ना जाते तो इतना धन भी नहीं कमा पाते, क्योंकि घनश्याम जो है वो धन कमाने के लिए दक्षिण गया था अपनी माँ और बहन को छोड़कर। संसार में यदि कोई बढ़िया से बढ़िया राखी होती है तो वे जो हाथ में उसने लाल डोरा बांधा है वो उसकी कहानी फिर अमरनाथ को सुनाता है कि ये राखी उसको किस प्रकार से बांधी। वे बताता है कि लखनऊ में उन्नाव में एक बालिका ने मुझे ये राखी बांधी है। और जब अमरनाथ उससे पूछता है कि उस बालिका का नाम क्या था, चूंकि बालिका दौड़कर सरस्वती कहते हुए भाग गई थी इसलिए घनश्याम उसका नाम नहीं सुन पाया था। उसने कहा कि नाम तो मुझे नहीं मालूम, पर उसने कहा था मैं सुन नहीं पाया। खैर, अमरनाथ ने कहा अच्छा ठीक है। खैर, घनश्याम चुपचाप काफी देर तक बैठा रहा। पूर्वोक्त घटना जो उसने अपने माता और बहन को छोड़ा था उसको भी 5 वर्ष बीत चुके थे और यादें जब भी होती हैं ताजा हो आती हैं। कभी कभी उसे वो बालिका भी याद आ जाती थी। उसे देखने वे एक बार कानपुर भी गए थे, परंतु उसका पता नहीं चल पाया था और वहां पर जाकर उसे पता चला था कि पड़ोसियों से कि वो बालिका जिसने उसे राखी बांधी थी वो भी वहां से कानपुर से जा चुकी है। इसके पश्चात समय बीतता गया,
और ध्यान भी कम होता गया, लेकिन जब भी वो अपना बक्सा खोलता था उसके अंदर वो राखी उसे दिखाई देती थी और उसे उस राखी को देखकर उसे सारी यादें उसकी ताजा हो जाती थी। अब जो घनश्याम है उसका मित्र उसको विवाह के लिए प्रेरित करता है कि भाई अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। और इस प्रकार से वह अपने मित्र को बताता है कि उसने उसके लिए एक लड़की देखी है और उस लड़की को देखने के लिए तुम मेरे साथ चलो। लेकिन घनश्याम ने उससे पूछा कि उसका परिवार कैसा है, तो वो बताता है कि माँ और बेटी ही है और कोई भी नहीं है, माँ और बेटी। तो इस पर वो मजाक भी करता है क्योंकि जो घनश्याम है वो थोड़ा मूडी किस्म का है, मजाकिया स्वभाव का है, उसको दिल लगी होती है और कहता है तुम भी अजीब हो, इतना गरीब घर तुम्हें हमारे लिए मिला था। पर उसने कहा कि ठीक है मैं चलूंगा और इस तरह से वो लड़की देखने के लिए जाते हैं। दूसरे दिन घनश्याम और अमरनाथ गाड़ी पर बढ़िया से तैयार होते हैं और गाड़ी भी चक्कर खाती हुई यहियागंज गली के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। गाड़ी से उतरकर दोनों मित्र जैसे ही गली में घुसे लगभग 200 कदम चलकर अमरनाथ एक छोटे से मकान के सामने खड़े हो गए और मकान का द्वार उन्होंने खटखटाया। घनश्याम बोले मकान देखने से तो बड़े गरीब जान पड़ते। अमरनाथ कहता है हाँ बात तो ऐसी ही है, परंतु यदि लड़की तुम्हें पसंद आ जाती है तो सब कुछ सहन किया जा सकता है क्योंकि लड़की बहुत ही संस्कारी और अच्छी है। मकान के अंदर अंधेरा था, दरवाजा खुलता है, द्वार खोलने से किसने खोला ये स्पष्ट भी नहीं हो रहा था। एक दालान में पहुंचने पर दोनों को चारपाई के ऊपर बिठा दिया जाता है, चारपाई जो खाट होती है उसके ऊपर बिठा दिया जाता है और बिठाने वाली स्त्री ने कहा मैं दिया जला लेती हूँ। स्त्री ने दीपक जलाया और पास ही एक दीवार पर उसे रख दिया, फिर उनकी ओर मुख किया और चटाई पर बैठ गई। परंतु ज्यों ही उसने इस तरफ मुंह किया और घनश्याम को देखा तो स्त्री अचेत अवस्था में जमीन पर गिर गई। उसके मुख से निकला अरे ये तो मेरा बेटा घनश्याम है। अमरनाथ भी विस्मित हो काटवत बैठे रहे और कुछ क्षण बोले उफ ईश्वर की बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है, ये कैसे एकदम गस खाकर गिर गई है। और वो उनके ऊपर पानी के छींटे वगैरह मारते हैं। इस तरह से थोड़ी देर तक उनको देखते हैं। लड़की देखकर विवाह होने वाली बात पर जब ये होता है तो स्त्री को वो अच्छे तरह से नहीं देख पाते हैं, लेकिन स्त्री ने उसके बेटे को पहचान लिया। अब जैसे ही थोड़ी रोशनी होती है वैसे ही घनश्याम जब माँ को देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि उस जो इस अचेत अवस्था में पड़ी हुई है वो तो उसकी माँ है। इतने में एक घनश्याम संभल कर बोला थोड़ा पानी मंगाओ, अमरनाथ किससे मंगाओ, यहाँ तो कोई दिखा तुम्हारी कहते हैं अमरनाथ रुकते रुक जाता है। फिर उन्होंने पुकारा बिटिया थोड़ा पानी दे दो, परंतु कोई उत्तर नहीं मिलता। अमरनाथ ने फिर पुकारा बेटी तुम्हारी माँ अचेत हो गई है, थोड़ा पानी दे जाओ। इस अचेत शब्द में ना जाने क्या बात थी कि तुरंत ही घर की दूसरी ओर बर्तन खड़कने का शब्द हुआ। तत्पश्चात एक पूर्ण वयस्क लड़की लोटा लिए हुए आती है। लड़की मुंह कुछ ढके हुए, अमरनाथ ने पानी देकर घनश्याम की माता की आंखें तथा मुख धो दिया। थोड़ी देर में उसे होश आया, उसने आंखें खोलते ही फिर घनश्याम को देखा। तब वह शीघ्रता से उठकर बैठ गई और बोली मैं क्या स्वप्न देख रही हूँ? घनश्याम क्या तू मेरा खोया हुआ घनश्याम है या और कोई? माता ने पुत्र को उठाकर छाती से लगा लिया और अश्रु बिंदु विसर्जन किए, परंतु वे बिंदु सुख के थे अथवा दुख के कौन कहे। लड़की ने यह सब देख सुनकर अपना मुंह खोल दिया और
भैया भैया करती हुई घनश्याम से लिपट गई। घनश्याम ने देखा लड़की कोई और नहीं, ये वही बालिका है जिसने 5 साल पहले उसको राखी बांधी थी। उसे याद आया कि अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने 5 साल पहले राखी बांधी थी। लड़की ने यह सब देख सुनकर अपना मुंह खोला और उसने अपने भाई को पहचान लिया और उसे समझ में आ गया कि मैंने 5 साल पहले जिस व्यक्ति को राखी बांधी थी आज वे यहाँ पर अचानक किसे। श्रावण का महीना है और श्रावण का महोत्सव घनश्याम की कोठी खूब सजाई गई। घनश्याम अपने कमरे में बैठे एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, इतने में एक दासी ने आकर कहा बाबू भीतर चलो। घनश्याम भीतर गए। माता ने उन्हें एक आसन पर बिठाया और उनकी भगनी सरस्वती ने उसके तिलक लगाकर राखी बांधी। घनश्याम ने दो असरफियां उसके हाथ में धर दी और मुस्कुराकर बोले क्या पैसे भी देने होंगे। सरस्वती ने हंसकर कहा नहीं भैया, ये असरफियां पैसों से अच्छी हैं, इनसे बहुत से पैसे आवेंगे। अगर हम इस कहानी का सारांश एक उसमें बांधना चाहें तो हम इस प्रकार से इसको कह सकते हैं। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने रक्षाबंधन नामक इस कहानी में इस त्योहार के महत्व को बताते हुए किस प्रकार बिछड़े हुए युवक का अपनी माता और बहन से मिलन होता है इसको बड़ी नाटकीयता के साथ प्रस्तुत किया है। हम इसे सारांश के रूप में, क्योंकि कहानियों का ज्यादातर सारांश ही पूछा जाता है, और हम सारांश के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, अधिकांश सार्थकताएं आती हैं और सारांश आता है। कहानी का प्रारंभ रक्षाबंधन के दिन से होता है और एक बालिका राखी बांधने के हट से इस कहानी का आरंभ होता है। माँ उसे डांटती है किंतु बालिका घर के द्वार आए एक युवक को राखी बांध कर ही अपने घर में लौटती है। समय व्यतीत होता जाता है। एक व्यक्ति घनश्याम अपनी माँ एवं बहन को न खोज पाने से दुखी रहता है। उसका मित्र अमरनाथ उसे सांत्वना देता है। घनश्याम दक्षिण में व्यापार करने के लिए निकल जाता है कि ज्यादा पैसे आएंगे और परिवार के बिछड़ने से वह दुखी होता है। वह अमीर तो हो जाता है किंतु परिवार के बिछड़ने से उसे दुख होता है, वह दुखी है। उसका विवाह भी नहीं हुआ है। उसके मित्र अमरनाथ उसके विवाह का प्रस्ताव लाते हैं। वे घनश्याम को लड़की भी दिखाने ले जाते हैं। संध्या के अंधेरे में जब वे लड़की देखने पहुंचते हैं तो दरवाजा खोलने वाली महिला दीपक के प्रकाश में घनश्याम का चेहरा देखकर बेहोश हो जाती है। तभी वे लड़की को बुलाते हैं। पानी से मुंह धोते ही महिला की चेतना आ जाती है और वे अपने पुत्र घनश्याम को पहचान लेती है। पता लगता है कि जिस बालिका ने राखी बांधी थी वह और कोई नहीं उसकी बहन थी। इस प्रकार बिछड़े परिवार मिलकर रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि रक्षाबंधन जो है वो रिश्तों का त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है, लेकिन राखी बांधने के लिए जरूरी नहीं है कि रक्त का संबंध हो, रक्त के संबंध की आवश्यकता के बिना ही। अगर कोई सच्चे मन से राखी बंधाता है तो राखी उससे बांधी जा सकती है। और इस कहानी के माध्यम से कौशिक जी ने रक्षाबंधन पर्व, उसका महत्व और भाई बहन के रिश्ते के ऊपर अपना प्रकाश डाला है। इस कहानी के जो प्रमुख प्रश्न उत्तर हैं उनको भी फॉर्म छोटे होने के कारण मैं बोल दूंगी। आप उसे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो मुख्य प्रश्न है परीक्षा में बार बार आते हैं उन प्रश्नों को मैं आपके सामने करती थी।
ये सही आ जाए स्क्रीन पर। जो दो नंबर के प्रश्न है उसमें ज्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है कि घनश्याम की बहन का नाम क्या। अगर आप उत्तर लिखना चाहते हैं तो उत्तर लिख सकते हैं, घनश्याम की बहन का नाम सरस्वती था। प्रश्न दूसरा है, अमरनाथ एक सच्चा मित्र है, ऐसा क्यों कहा है? इस अमरनाथ जी ने ऐसा क्यों कहा है कि अमरनाथ एक सच्चा मित्र है? घनश्याम का मित्र अमरनाथ है, वह उसका सच्चा मित्र है। घनश्याम के विवाह संबंधी विचारों को परिवर्तित कर दिया, उसके विवाह के लिए कन्या ढूंढने की जिम्मेदारी स्वयं उठा ली। लक्ष्मी रूपा कन्या को दिखाने हेतु लड़की के निवास पर गया, वहां माँ बेटा तथा बहन का मिलन होता है। ये दृश्य देखकर वह भाव विभोर हो गया। इस प्रकार अमरनाथ ने अपने मित्र के प्रति कर्तव्य का निर्वाह किया। एक प्रश्न और है इसका, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नाटकीय ढंग से हुए माँ बेटे और बहन के मिलन के दृश्य की व्याख्या कीजिए। घनश्याम अपने मित्र अमरनाथ के साथ लड़की देखने गए। वहां पर लड़की की माँ घनश्याम को देखकर अचेत हो गई। घनश्याम अंधेरे में उसकी उस स्त्री का चेहरा नहीं पहचान सका, परंतु रोशनी में जैसे ही उसकी दृष्टि लड़की की माँ के चेहरे पर पड़ती है तो वह चौंक उठा, अरे यह मेरी माँ। अमरनाथ विस्मित होकर बोले, ईश्वर की महिमा बड़ी विचित्र है, जिनके लिए तुमने कहाँ कहाँ ठोकरें खाई, अंत में वे इस प्रकार मिली। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं कि किस प्रकार नाटकीय ढंग से माँ और बेटे का मिलन होता है। इसी प्रकार एक प्रश्न और है, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से कहानीकार क्या संदेश देना चाहता है? कहानी का संदेश क्या है? तीन नंबर के उस पर यह प्रश्न पूछा जाता है, रक्षाबंधन कहानी के माध्यम से कहानीकार यह संदेश देना चाहता है कि भाई बहन का संबंध पवित्र और अटूट है, इसके लिए रक्त संबंधी होना आवश्यक नहीं है। सरस्वती के भावों का सम्मान करते हुए घनश्याम ने सरस्वती से राखी बंधवाई। बहन के गांव छोड़ने पर उसे ढूंढने का वह प्रयास करता है। अंत में नाटकीय ढंग से माँ बेटी से उसका मिलन होता है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है, व्यक्ति को किसी भी परेशानी से निराश नहीं होना चाहिए। नियति का खेल बड़ा अनोखा है, कब कहाँ क्या हो जाए। घनश्याम के लिए लड़की देखने जाता है और अपनी माता एवं बहन से मिलकर वह प्रसन्न होता है। इस प्रकार ये दोनों कहानियां पूरी होती हैं और इन कहानियों की अच्छी तरह से तैयारी करके इनके प्रश्न उत्तर को तैयार करें। कोई प्रश्न है तो वो
क्या थैंक यू नमस्ते।